झारखंड की हेमंत सरकार को गिराने को लेकर लंबे समय से चल रही उठापटक के बीच अब सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के 3 विधायक कानून के गिरफ्त में आ गए हैं। बंगाल के हावड़ा के पास में देर शाम बंगाल पुलिस ने 48 लाख रुपए नकद के साथ कांग्रेस के 3 विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, विल्सन कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को गिरफ्तार कर लिया है। इरफान अंसारी अपनी गाड़ी में 2 विधायक और सहयोगी के साथ मौजूद थे। আমি আগে থেকেই বলি এই যে গাড়ি আছে আমরা আগে থেকে একটা স্পেসিফিক ইনপুটটা পেয়েছিলাম কি এরকম গাড়িতে প্রচুর অ্যামাউন্টের টাকা যাচ্ছে ওই হিসাবে আমরা ইনফরমেশনটাকে ওয়ার্কআউট করে আমরা এই গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করলাম এর মধ্যে 3টে এমএলএ আছে যারা ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে আর এখানে আমরা কিন্তু প্রচুর প্রমাণে টাকাটা পেয়েছি ওটা নিশ্চয়ই এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে আমরা অ্যারেঞ্জ করছি যাতে কি আমরা ওটাকে কাউন্ট করতে পারি তারপরে আপনাদেরকে জানানো হবে কত কি গাড়িতে কানা আছে কত অ্যামাউন্ট কত অ্যামাউন্ট গাড়িতে 3 এমএলএ আছে আর ঝাড়খণ্ডের এমএলএ আছে ওনাদের আইডি কার্ড আর এইসব জিনিসটা দিয়ে আমরা যখন জিজ্ঞেস করলাম ঝাড়খণ্ডের এমএলএ ওদের থেকে আমরা যেটা প্রচুর অ্যামাউন্টে একটা টাকা পেয়েছি ওদের ব্যাগ থেকে ওটাই আমরা এখন ফার্দার লিগাল প্রসেস যেটা আছে ওটা করবো কাউন্টিং করার পরে আপনাদেরকে জানানো হবে এক এমএলএ ওনার মধ্যে এমএলএ জামতারা আছে অ্যাজ পার হিজ ভার্সন এটা আমাদের কাছে একটা স্পেসিফিক ইনপুট ছিল আমরা ওয়ার্কআউট করেছি ওটাকে গাড়িটাকে ইন্টারসেপ্ট করা হয়েছে তারপরে কথাবার্তা বলে যখন চেকিং ওয়েকিং করা হয়েছে তখন যেটা আপনাদেরকে বললাম হিউজ অ্যামাউন্ট অফ মানি ওটাকে আমরা দেখব ওটা সাসপেক্টেড হিসাবে সাসপেক্টেড অ্যামাউন্ট অফ হিউজ মানি ওটাকে আমরা দেখব কি কীভাবে কোথান থেকে কী আছে তো ফার্দার লিগাল প্রসেসটা আমরা করব ওটাই আমরা দেখব আগে তো আমাদেরকে একবার দেখতে হবে কী আছে ওটা কথাবার্তা বলে আমি আপনাদেরকে জানাব বিধায়কদের আটক করলেন না 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 ওদেরকে তো আমরা কথাবার্তা আগে বলবো আগে তো এটা জানতে হবে কি এত অ্যামাউন্টের এত প্রমাণের টাকাটা কিভাবে ওনাদের কাছে আছে ওটা আমরা করব ওটা ফার্দার প্রসেস ওটাই আছে অ্যাপ্রক্স এখন বলতে পারবো না এত অ্যামাউন্ট আছে কি আমাদেরকে কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসতে হচ্ছে আমরা ও প্রসেসটা চলছে আমরা কাউন্টিং মেশিনকে নিয়ে আসবো ওটা করে তারপরে আপনাদেরকে জানাবো এরা কংগ্রেসের এমএলএ আছে নামগুলো জানা গেছে নামগুলো আছে রাজেশ কচ্ছপ আছে তারপরে নমন বিক্সেল আছে তারপরে ইরফান আনসারি এরা 3 কংগ্রেসের এমএলএ ফ্রম ঝাড়খণ্ড इधर इन तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही झारखंड की राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक अनूप सिंह ने जहां इन तीनों विधायकों पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए अरगोड़ा थाने में FIR किया है, वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने बताया कि इन तीनों विधायकों को पार्टी से 6 के लिए बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही साथ उन्होंने सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप BJP पर मढ़ दिया है। कोई मकसद वैसा नहीं है जो पूर्व के भांति मैंने FIR किया था उसका आज उजागर होने का संभावना है, क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें खराब हो रही है झारखंड में, हमारे विधायकों पे आरोप लगाया जा रहा है और पैसे पकड़ाए जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसको देखते हुए ये FIR किया गया है। बात बाकी प्रदेश अध्यक्ष जी के नॉलेज में है, प्रभारी जी के नॉलेज में है, और जो पैसा पकड़ाया 48 लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। 48 लाख रुपया 3 विधायक अपना हो सकता है क्षेत्र का सामान खरीदने जा रहे हो, 3 विधायक हो सकता है कि कुछ अपनी निजी कुछ खरीदारी करने जा रहे हो, तो 48 लाख रुपया कोई बड़ा अमाउंट नहीं है कि हम बोल दें कि ये है। लेकिन हाँ, उसके तहत जो चीज़ें चल रही थी उसको FIR में दर्शाया गया। जी जी देखिए, वो तो इनकम टैक्स को देंगे, वो तो इनकम टैक्स को देंगे। मेरी जानकारी के हिसाब से उन्होंने पैन कार्ड अपना सरेंडर किया है वहाँ पे, और जो उनका CA है वो बताएंगे कि कहाँ से पैसा आया। FIR में क्या आपने लिखा है? ये थाना प्रभारी आपको बताएंगे। FIR कैन नॉट बी रिलीव्ड। दुखद ही नहीं, ये निंदनीय घटना है, और जिस तरह की बातें सामने आई हैं और जिस तरह का दृष्टांत पिछले दिनों से लगातार देखा जा रहा है पूरे देश में, जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं उनको कहीं ना कहीं अस्थिर अपदस्थ करने की
कोशिश की जा रही है और उस प्रयास में कई बार भारतीय जनता पार्टी सफल होते भी दिखाई दी है। बावजूद अपनी हरकतों से भारतीय जनता पार्टी बाज नहीं आ रही है और आज जो हम लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जिस तरह से हमारे विधायक अनूप सिंह जी ने शिकायत की है थाने में, उसे ये प्रतीत होता है कि सभी विधायकों से भारतीय जनता पार्टी के नेता संपर्क कर रहे थे और कुछ विधायकों को उन्होंने ट्रैप करने का भी कोशिश किया है। हम समझते हैं कि इससे घिनौनी हरकत कोई नहीं हो सकती है, वो चाहे बिकने वाला हो चाहे खरीदने वाला हो, निश्चित रूप से दोनों की निंदा होनी चाहिए। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस तरह से शिवसेना के विधायकों को तोड़ने का काम किया गया और महाराष्ट्र में हमारी सरकार जो जनता के द्वारा चुन के आई थी उसको गिराने का काम किया गया। आप सब समझ सकते हैं कि किस तरह से जो जनता की चुनी हुई सरकार है, जो जनता चुन के देती है, जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मतदान करती है और सरकार बनाने का काम करती है, वैसी सरकारों को दिन दहाड़े सरेआम लोकतंत्र की हत्या करके ये बताने का प्रयास किया जा रहा है भारत की जनता को कि चाहे तुम वोट किसी को दो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। इस कृत्य की पूरे देश में निंदा हो रही है और हम समझते हैं। इधर तीन विधायकों के पास से बड़ी राशि कैश के रूप में बरामदगी की गई है और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के नेताओं पर आरोप लगाने के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इधर निशिकांत दुबे ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है, साथ ही साथ इन तीन विधायकों के साथ चौथा विधायक कौन था। देखिए, कलकत्ते में पैसे की बरसात हो रही है, टीएमसी के मंत्रियों के घरों से पैसे निकल रहे हैं, उनके बिचौलियों से पैसे निकल रहे हैं टीएमसी के यहाँ से, उसी प्रकार से बंगाल में कांग्रेसी विधायकों के यहाँ से पैसे निकले हैं। इसका जवाब कांग्रेस और कांग्रेस के विधायकों को देना है। और जहाँ जहाँ टीएमसी और कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर पैसों की बरसात हो रही है, कोई दूर दूर तक नहीं। बहुत बहुत मिला, उनका कहना कि साड़ी खरीदने के लिए गया। अरे भाई, 50 लाख का बात बोली, यहाँ एक अफसर के यहाँ तो 20 करोड़ मिला, उसकी भी चर्चा तो करें लोग। उनका शासन है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का शासन, 20 करोड़ एक अफसर के यहाँ और विधायक प्रतिनिधि के यहाँ करोड़ों करोड़ निकले, उसकी भी तो चर्चा आप कीजिए। कांग्रेस इसमें क्या है, जो सबसे बड़ी खबर मुझे लग रही है कि ये टेंडर मैनेज करने के लिए सरकार ने ही इसको पैसा दिया और सरकार ने ही इसको पकड़ा दिया। ये कांग्रेस के विधायकों पर हेमंत सोरेन दबाव डालना चाहता है कि तुम यदि मेरे साथ नहीं हो तो हम तुमको जो है जेल भेज देंगे। और ये सभी विधायक जो है वो मूर्ख थे जो फंस गए, नहीं तो कलकत्ता क्या जाना है। यदि ऑपरेशन कोई दूसरा होगा तुमको कलकत्ता जाने की आवश्यकता है, इतने मूर्ख तो नहीं है ये सभी विधायक। ये उन्होंने जानबूझकर बुलाया और जानबूझकर जो आ रही है कि जो इंटेलिजेंस रांची है उसी ने खबर किया। और आप समझिए कि जिससे FIR कराया अनूप सिंह, चौथा विधायक वही था। पूरे मामले में राज्य में सरकार चला रही पार्टी JMM के नेताओं ने भी कहा है कि पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी है इस सरकार के स्ट्रेंथन के लिए, इस सरकार को मजबूती के साथ चलाने के लिए उनकी जो प्रखर नजर अपने विधायकों पर और जो अनुशासन कांग्रेस पार्टी ने दिखाने का काम किया है, उसके लिए हम लोग अपनी पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करने के लिए भी आए। हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों के बाद, लगभग 20 वर्षों के बाद हमारे राज्य में एक स्पष्ट नीति के साथ चुनाव पूर्व गठबंधन, जिसमें सारी बातें तय हुई, उसके बाद ही ये सरकार अस्तित्व में आया। तो ऐसे परिस्थिति में इस सरकार के खिलाफ यदि कोई साजिश रची जाती है वो सीधा लोकतंत्र पर हमला है। और मैं पहले भी आप लोगों को कह चुका हूँ
कि भारतीय जनता पार्टी का एक मंत्र है, जहां चुनाव जीतकर आएंगे वहां तो सरकार बनाएंगे, लेकिन जहां चुनाव हारेंगे वहां सरकार जरूर बनाएंगे। ये प्रयोग मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटका में हुआ, गोवा में हुआ, त्रिपुरा में हुआ, यह प्रयोग महाराष्ट्र में हुआ, राजस्थान में कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जितनी विजिल थी, जितनी सतर्क थी, कि वहाँ पर भी प्रयास विफल हुआ। और झारखंड में भी ये लगातार प्रयास जो चल रहा है कांग्रेस के सतर्कता के कारण, वो प्रयास कभी कामयाब नहीं होगा। इसी बातों को साथ हम यहाँ पर आए थे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलने, आपस में हम लोग कुछ बात भी करेंगे, क्योंकि कल से सदन की कार्रवाई भी शुरू होगी और बहुत बड़े बड़े जो लोकाकांक्षी फैसले हैं वो फैसले भी लिए जाएंगे। आज इतना ही कहना था, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रीता, एक सवाल है, अभी आपने बोला ये पत्रकार कुछ दिन पहले या कुछ माह पहले आप और सुदीप कुमार जो आपके पार्टी के विधायक हैं इरफान अंसारी के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आज वही इरफान अंसारी पर आरोप लग रहा है। देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, हम तो अपने सभी साथियों को अपना मानते हैं। कुछ साथी गलत रास्ते में चल जाते हैं तो उसका जिम्मेवारी तो हम नहीं ले सकते, तो इसलिए राजनीति में ये सब चीजें होते हैं। बहरहाल झारखंड में सरकार गिराने और बचाने को लेकर कई तरह की अटकलें का बाजार लगातार गर्म हो रहा है। ऐसे में इस बार कांग्रेस के इन तीन विधायकों के पास से बड़ी राशि पकड़े जाने और सरकार गिराने की साजिश का आरोप लगने के बाद राजनीति तो गर्म है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस घटनाक्रम के पीछे किसका मास्टर स्ट्रोक रहा है, इस पर अभी पर्दा उठना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार।